असम में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान संजय चंद 2 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। संजय की शहादत की खबर से परिवार समेत गांव में कोहराम मचा हुआ है। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार शाम तक गांव पहुंचने की उम्मीद है। सैनिक संजय चंद के शहीद होने की खबर सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। असम के निनसुकिया बॉर्डर पर उग्रवादियों से हुए संघर्ष में गोली लगने से वह शहीद हो गए। सूचना मिलने के बाद शहीद की मां गंगा देवी और पत्नी दीपिका का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के चाचा दौलत चंद ने बताया कि सेना की तरफ से उन्हें भतीजे के निनसुकिया बॉर्डर पर गोली लगने से शहीद होने की सूचना मिली। शहीद के चचेरे भाई दीपक चंद ने बताया कि संजय बहुत ही मिलनसार था। 2 माह पहले वह किसी की शादी के लिए घर आया था। शहीद संजय चंद के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी अक्षिता 5 साल और बेटा सारांश 4 साल का है। शहीद का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ रामेश्वर घाट में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।